हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। जावेद अख्तर के 75वें बर्थडे के मौके पर द वर्ल्ड ऑफ जावेद अख्तर एग्जीबिशन रखा गया था, जहां जावेद अख्तर के लेबर की पेंट भी लॉन्च की गई। मौका है जावेद अख्तर के प्लैटिनम जुबली यानी के 75वें बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और इस खास मौके के लिए गिफ्ट भी तो खास बनता है, तो इसलिए उनके 75वें बर्थडे के मौके पर द वर्ल्ड ऑफ जावेद अख्तर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। उनके बचपन से लेकर अभी तक की कई तस्वीर देखने को मिली। इतना ही नहीं, इस मौके पर जावेद अख्तर के लेबल की पेंट भी लॉन्च की गई। इस मौके पर जावेद अख्तर बहुत खुश नजर आए, जहां उन्होंने अपने बचपन से अभी तक की हर यादों को बटोरा। वहीं यहां आए सभी गेस्ट ने भी जावेद को सेलिब्रेशन के साथ सभी ने उन्हें विश भी किया और उनके साथ जुड़ी यादों को भी शेयर किया। जब आप ये तस्वीरें देखते हैं एक साथ, तो एक बात जो मुझे समझ में आती है कि जब आप जावेद की कुछ बचपन की तस्वीरें भी देखें, तो उनकी आँख में वही चमक है, उनके चेहरे पे वही कॉन्फिडेंस है। उसमें साफ ऐसा लगता है कि मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। और फिर एक ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, जो सड़कों पे सोए हैं, जो खार स्टेशन पर सोए हैं, जो तीन तीन दिन जिनके पास खाने को खाना नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, जो मुझे उनकी सबसे बड़ी बात जो दिल को छूती है कि जब उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे, तो बजाय इसके कि वो हिम्मत हार जाएं, वो अपने आप को ये कहते थे कि मैं यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होके दिखाऊंगा। 85 में उनसे मिला था, जब यंग सा असिस्टेंट था, उन्होंने एक तरह से मुझे गोद लिया था और बहुत सिखाया। मैं अलग किस्म की फिल्में जानता था, और उनमें एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि वो कला पे कोई बाउंड्री नहीं देखते, तो हर तरह की फिल्म में अच्छा काम होना मुमकिन है। एक जो उनका दायरा है, समझ है, शायरी से लेके संगीत से लेके पेंटिंग से लेके लिटरेचर से लेके सिनेमा को लेके, हर तरह के सिनेमा की समझ जो है बहुत बहुत है। और मेरे ख़्याल से इंडस्ट्री में हैं हम, उस इंडस्ट्री में जिसमें जावेद अख्तर हैं, तो ये बहुत फख्र की बात है। बट इट्स सो वंडरफुल टू यू नो बी हियर फॉर जावेद साहब ऑन हिज सेलिब्रेटिंग हिज 75 इयर्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर लाइव्स हैज बीन इमेंस, सो इट रियली हम्बल्स मी टू जस्ट बी हियर, hear him live recite lovely poetry, potent poetry about बहुत बहुत मैं तो कमाल है। इन्होंने जो तस्वीरें जमा की हैं, कुछ तो खैर मुझसे ही ले गए थे, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो है इन्होंने कमाल कर दिया, कहाँ से लाए, कहाँ ढूंढा। सो इसका मुझे भी इनमें से कई ऐसी जो मैंने देखी नहीं थी, तो एनी वे आई एम थैंकफुल टू देम दैट They have organized this. I hope people will come and watch it and like it. Actor Sonu Sood आज मुंबई के इन्फिनिटी मॉल में मुंबई पुलिस द्वारा प्रेजेंट किया हुआ स्पेशल किट देखने और रोड सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने पहुँचे। मुंबई ट्रेनी ने रोड एक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा स्किट परफॉर्म करके दिखाया। सोनू सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, मुझे ये स्किट बहुत पसंद भी आई है, इससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि सबको रूल फॉलो करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। जो स्किट मुंबई पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने प्रिपेयर किया, बड़ा कमाल का था। एक कितना अच्छा मैसेज था जो हम लोग हर रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको उन्होंने इंटैक्ट करके किया। और बड़ी कमाल की बात यह थी कि जितने लोगों ने प्रिपेयर किया, वो सब मुंबई पुलिस के ही लोग हैं, और इतनी अच्छी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुंबई पुलिस ने मुझे इस ट्रैफिक अवेयरनेस की जो ड्राइव है, वीक है, उसका मुझे हिस्सा बनाया। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, इसीलिए ये ऐसी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि हमें मालूम है कि किन गलतियों के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपने सामने होता हुआ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अवेयरनेस हर घर, हर एक इंसान तक पहुंचे, तो दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग ज्यादा सेफ हो पाएंगे रोड पे। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने घर पर जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जहां उन्हें विश करने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। सिद्धार्थ मल्होत्रा के जन्मदिन पर करण जौहर, राहुल प्रीत सिंह,
मिलाद जफरी और उनकी वाइफ रितेश देशमुख और जेनेलिया, भूषण कुमार, साद रंधावा, आदित्य रॉय कपूर, जाकी भंगनानी और कई कलाकार नजर भी आए। सिद्धार्थ खुद अपने बिल्डिंग के नीचे आए और मौके पर मौजूद फैंस के साथ अपने जन्मदिन का केक कट किया और साथ ही में फैंस द्वारा लाई गई खुद की तस्वीर को एक्सेप्ट भी किया। जुहू के मुक्तेश्वर टेंपल में अपने फैमिली के साथ पहुंचे कार्तिक आर्यन। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली के साथ जुहू स्थित मुक्तेश्वर टेंपल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन किया और आशीर्वाद दिया। कार्तिक आर्यन अपनी माता माला तिवारी के जन्मदिन के मौके पर अपनी फैमिली के साथ मुक्तेश्वर टेंपल दर्शन करने पहुंचे। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।